मोदी जी ने जो वादे किए थे कि विशेष पैकेज दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा, और यहाँ तो जो बंटवारा हुआ था, झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और उसके बाद जो चीज़ें, जो राशियाँ मिलती थी उसके क्षतिपूर्ति के रूप में, उसमें भी कटौती हुई है, और हर तरह से घुमा फिरा करके, और बिहार की हकमारी आज भी जारी है। तो जाहिर है कि हम लोग अपनी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो वो बात आंकड़ों की जुबानी होगी, सारा चीज़ फैक्ट्स फिगर के साथ, तैयारी के साथ वो आ करके, और बिहार के हक हकूक की बात की जाएगी। दरअसल देखिए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य जब तक तरक्की नहीं करेंगे तब तक इस देश की भी तरक्की नहीं होगी। हम लोग उनको बताएंगे कि किस तरह से जो ये बजट भी आया है तो इसमें भी नुकसान हमारा हुआ है, कई हमारे मदों में कटौती हुई है, इसका ब्यौरा, पूरा ब्यौरा होगा। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों को भी बताएंगे। प्रधानमंत्री को याद भी दिलाएंगे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिहार में विशेष राज्य जैसी सुविधा देने का वायदा किया था, तो वायदा निभाओ। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता सर, बिहार के साथ हमेशा से जाति होती रही और अब इस वक्त पे उनको ये सारी बातें बतानी होगी। नीतीश कुमार जी पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए आए हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों से भी बिहार का फायदा नहीं हो पा रहा है। जहां तक नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की आपसी मुलाकात का है, तो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो मुलाकात होती रहती है। हो सकता है उन्होंने समय मांगा हो और उन्होंने बैठक से जस्ट पहले उनको समय दे दिया हो, इसके बहुत ज्यादा मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाया और उन्होंने संकल्प किया है कि हमेशा लड़ते रहेंगे। बिहार में जो महागठबंधन बनाया है वो महागठबंधन चल रहा है, उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो ऐसा मैं नहीं मानता।